दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग लाइफ। तो आज हम आपको दिखाते हैं फायर पंप रूम, जो हमारे फायर पंप रूम है तो उसमें क्या क्या लगा होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये हमारा फायर पैनल है, जिसमें हमारे दो मेन पंप के कनेक्शन है, इनकमर आ रही है, ठीक है, और जोकी पंप के कनेक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर दो मेन पंप लगे हुए हैं, फायर पंप है और दो जोकी पंप है। ये देखिए, ये फायर मेन पंप है, एक नंबर है और दो नंबर उधर है। और ये हमारे जोकी हैं, दो जोकी लगे हुए हैं, ठीक है। और एक ये डीजल इंजन जनरेटर लगा हुआ है। इन केस ऑफ बाई चांस लाइट नहीं है तो हम डीजी को चला के प्रेशर मेंटेन कर सकें, ठीक है। और ये ऊपर ये डिस्चार्ज लाइन है और ये एयर विशल आ गई, ऊपर ये लाइन जा रही है। तो इधर ये स्प्रिंकलर लाइन है, ठीक है, और ये आउटसाइड के हाइड्रेंट केबिन के लिए है, ठीक है, इनर और आउटसाइड। हमारे पास यहाँ पे फायर वाटर टैंक है 76 KL के, ठीक है, 76 KL के दो वाटर टैंक लगे हुए हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमारे पास ये स्प्रिंकलर अलार्म भी लगा हुआ है, ठीक है, इन केस ऑफ अगर बाई चांस कहीं स्प्रिंकलर फूटता है तो फिर ये प्रेशर मेंटेन करेगा तो ये अलार्म भी बजेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। वैसे हम फायर लाइन में 8 kg प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो अभी हम आपको 8 kg प्रेशर भी मेंटेन करके दिखाएंगे। ये अभी 0 है, इसको हम 8 kg लाइन चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही बिल्डिंग में अगर बाई चांस आग लगती है तो सबसे पहले ये हमारा जो पैनल है पूरा ऑटोमेटिक है, ठीक है। अगर कोई स्प्रिंकलर फूटता है या कोई ब्रांच से फायर को मतलब पानी डालता है या FSC को ऑन करता है तो ये पंप है जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे ये कैसे काम करता है। अभी हमने इसको पूरा पैनल है जो ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो हम जैसे ही हम आपको दिखाया, जैसे यहाँ देखिए ये प्रेशर है जो बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो मतलब लाइन पानी नहीं है लाइन में, तो हम जैसे इसको ऑटो में डालेंगे तो ऑटोमेटिक पंप हमारा है जो कि ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखिए, हम इसको ऑटो में डालते हैं तो ऑटो ये ऑन हो गया, ठीक है, पंप। और ऊपर वाला भी आपको दिखा दूँ, जो कि पंप भी है ये भी ऑन हो जाएगा। हमारा ये भी हमारा जो है हाइड्रेंट जो पंप है मेन, ये पंप चल गया है। इनकेस ऑफ फायर में अगर आग लगती है सबसे पहले हमारा जो मेन जो कि पंप है वो चलेगा। अगर इससे मेन मेंटेन नहीं होता है फिर ये हमारा फायर मेन पंप है ये चलेगा। बाई चांस अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट हो जाए तो हम फिर इसको डीजल इंजन को स्टार्ट करेंगे और इससे 8 kg प्रेशर मेंटेन करेंगे। तो जैसे ही हमने पंप चलाया तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो करीब 8 kg के पास मेंटेन हो रहा है। देखिए, पहले 0 था, अभी 8 kg लमसम मेंटेन कर रहा है। तो आपको ऐसे करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगेगी